गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट एडिशन बाय एक्सपेंडेड फॉर्म। पेज नंबर 76। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो एडिशन बनाते हैं उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर करके कैसे ऐड करेंगे। यहाँ देखिए, एक फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है बुक में आप लोग को, ये सॉल्व किया गया है 38 एंड 46, इसको ऐड करना है। तो 38 को पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है कि 30 प्लस 8, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में जब करेंगे तो ये 3 टेंस प्लस 8 मंथ्स, यानी 3 टेंजर क्या होता है 30 और 8 1 इज 8, तो 38 हो गया। फिर 46 को एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है तो 40 प्लस 6 यानी 46, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब इसको ऐड किया गया है, तो यहाँ देख रहे हैं कि सम लिखा हुआ है। सम में जब दोनों को ऐड करने पर जो रिजल्ट आता है उसी को सम कहा जाता है। तो 8 और 6, वंस प्लेस पर 8 और 6 है, दोनों को ऐड किए तो 8 6 क्या इतना होता है 14। तो यहाँ हम इस बॉक्स में 40 लिख दिए, और ये जो 10th में है 30 और 40 है, ये दोनों को ऐड कर दिए तो ये आया मेरा 70। तो ये 70 यहाँ लिख दिए, यानी 70 10s है और ये 14 1s है। आप देखिए यहाँ 14 है, यानी 14 का मतलब क्या होगा 1 10s plus 4 1s, तो ये 10s जो है इसमें से, ये 14 में से ये 10 इसमें आ गया। ये जो 70 था ना, इसमें इसमें से 10 आकर के ऐड हो गया, तो 70 में जब इसमें से 10 निकल इसमें आकर के ऐड हुआ तो हो गया 80, और इसमें से कितना रह गया, इसमें से रिमेन रह गया आपका 4। तो यहाँ पर 4 लिख दिए वंस में और यहाँ 10 में लिख दिए 80। अब 80 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 84। तो 38 प्लस 46 इक्वल टू 84। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 में, ऐड 59 एंड 47। 59 और 47 को ऐड करना है। इसमें भी ये लिखा हुआ है यहाँ पर 59 इक्वल टू 2 बॉक्सेस दिए गए हैं इसमें। फिर यहाँ 47 है इक्वल टू 8 2 बॉक्सेस यहाँ दिए गए हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सम इक्वल टू, फिर बॉक्स बना हुआ है, (59 plus 47 = यहाँ बॉक्स बना हुआ है। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, एक जिस तरह ये अभी बताए थे ना कि 38 का एक्सपेंडेड फॉर्म 30 plus 8, तो उसी तरह इसको भी 59 को एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे। तो 59 का एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 5 10s plus 9 1s। तो 5 10s क्या होता है 50, तो यहाँ पर हम 50 लिख दिए प्लस 9 1s, तो 9 1 इज 9 यानी 50 plus 9। अब आइए 47 को एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होगा 40 क्या होता है 40 और 7 1 इज 7 यानी 40 plus 7 हो गया। आप देखिए ये वंस प्लेस पर क्या है 9 और 7 है, तो उसको पहले ऐड कर दीजिए। तो 9 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 7 को ऐड करना है, तो 9 + 7 times काउंट कर दीजिए। तो 9 के बाद 7 पे कर दे 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 हो रहा है, तो यहाँ पर हम 16 लिख दिए 16 ones। अब 10s प्लेस पर देखिए क्या है, यहाँ 40 है और ये 50 है और 40 है, ये दोनों को ऐड कर दीजिए। 0 0 को ऐड करेंगे तो 0 और 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9 यानी 90 90 प्लस 16, ये 90 हो गया और ये 16 हो गया। तो 16 का मतलब क्या हुआ 1 10s plus 6 1, यानी इसमें 1 10 है और 6 1s है, तो ये 1 10 जो है ये 90 में आ जाएगा। तो 90 में इसमें से जब 10 माइनस हो जाएगा 16 से, तो 90 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 100, ये क्या बन जाएगा 100, और इसमें से कितना रह जाएगा, जब ये 10 इसको दे दिया है इसमें से 1 10 हम यहाँ ले लिए हैं तो ये बच गया आपका 6, तो यहां हो गया 6। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए 100 प्लस 6
तो क्या हो जाएगा 100 में 6 ऐड करेंगे तो 106, यहां पर लिख देंगे हम। सो 59 प्लस 47 इक्वल टू 106। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड 54 एंड 38, इसको भी एक लिखा हुआ है 54 इक्वल टू टू बॉक्सेस बने हुए हैं यहां पर, फिर 38 है, सम आप यहां 54 प्लस 38 इक्वल टू, देखिए फिर 54 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 टेंस प्लस 4 वंस, तो 5 टेंजर क्या होता है 50 और एक 4 वन इज 4 हो गया 50 प्लस 4। 38 को एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है तो 38 क्या हो जाएगा यहां पर 30 प्लस 8 वंस, ये 3 टेंस प्लस 8 वंस 38 हो गया। अब इसको क्या करना है, हमको ऐड करना है तो वंस प्लस पर यहां 4 वंस है और 8 वंस है, तो 8 और 4 को ऐड कर दीजिए, 8 और 4 को ऐड करेंगे तो 12 वंस हो गया, यहां पर 12 दे दीजिए। अब ये टेंस प्लेस पर क्या है, ये 50 टेंस है और 30 टेंस है, दोनों को ऐड कर दीजिए 0 0 0 और 5 में 3 ऐड करेंगे तो 80, अब 80 टेंस है और यहां 12 वंस है, तो 12 वंस मींस 1 टेंस प्लस 2 वंस, तो ये 1 टेंस जो है ये टेंस यहां 80 टेंस है, इसमें से ये टेंस जो आएगा 12 से उसमें ऐड हो जाएगा, तो 80 में 10 ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा 80 में 10 ऐड करेंगे तो 90, यहां लिख दिए हम 90 प्लस, इसमें से ये जो 12 जो था मेरा ये 12 में से 10 तो इसमें हम ऐड कर दिए हैं, 110 इसमें ले लिए है ना, तब ना ये 90 हुआ है, तो यहां पर कितना रह गया 2 रह गया, तो यहां 2 लिख दिए, अब 90 प्लस 2 तो 90 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 में 2 ऐड करना है तो 2 फिंगर्स निकालिए 90 के आफ्टर में काउंट कर दीजिए 91 92, तो यहां पर लिख देंगे हम 92, यानी 54 प्लस 38 को ऐड करेंगे तो 92 होगा। ओके, इस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म में कर करके ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर में, सवाल है तो ये ऐड 25 प्लस 18 प्लस 36, आप यहां एक देखिए ये थ्री टर्म में है 25 है इक्वल टू 18 है और 36 है, टू बॉक्सेज यहां पर भी टू बॉक्सेज हैं, यहां पर भी, चलिए अब इसको हम सम करते हैं, अब ये 25 को एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा 8 2 10 प्लस 5 वंस, यानी 2 टेंस क्या होता है 20, तो यहां 20 प्लस 5 वंस 25, 18 को करेंगे तो 1 टेंस प्लस 8 वंस यानी 10 प्लस 8, 36 को करेंगे तो 30 प्लस 6, ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म में, अब इसको ऐड कर दीजिए तो 8 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 में 6 ऐड करेंगे तो 13 में 6 ऐड करेंगे तो 19 वंस, तो यहां पर हम दे दिए 19 वंस हो गया, अब इसको ऐड कीजिए 10 प्लस में 0 0 0 का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, अब 3 में 1 ऐड करेंगे 4 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, यानी ये हो गया आपका 60 टेंस प्लस 19 वंस, 60 टेंस प्लस 19 वंस, और 60 टेंस और 19 वंस है तो 19 वंस मींस क्या होता है 1 टेंस प्लस 9 वंस, तो इसमें से 10 इसमें आ जाएगा यानी हो जाएगा ये
70 प्लस यहाँ कितना रह जाएगा, जब इसमें से 110 इसमें आ गया तो इसमें से 9 रह जाएगा, तो यहाँ पर 9 वन्स और ये हो गया आपका 70। अब 70 में ये हो गया 70 प्लस 9। अब आइए 70 और 9 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 79। सो 25 प्लस 18 प्लस 36 इक्वल टू 79। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में एड 36 प्लस 36 प्लस 37, तो 36 को एक्सटेंडेड फॉर्म में करेंगे, फिर 36 को करेंगे, फिर 37 को एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे, तो इसका क्या होगा, 36 का एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे तो ए 6 वन्स है 3 टेन्स है, यानी 3 टेन्स प्लस 6 वन्स, 3 टेन्स क्या होता है 30 प्लस 6 वन्स, ए 36 का भी वैसे ही होगा, ए 3 टेन्स प्लस 6 वन्स यानी 30 प्लस 6, इसको भी लिख दीजिए 30 प्लस 6 वन्स। अब ये 37 आ गया, 37 को एक्सटेंडेड फॉर्म में करेंगे तो 3 टेन क्या होता है 30 प्लस 7 मानी 7 यानी 30 प्लस 7। अब सम निकालना है इसका, आप इसको ऐड कर दीजिए, 6 और 6 को ऐड करेंगे क्या होगा, 6 में 6 जब ऐड करेंगे तो 12 होगा, 12 में 7 को ऐड कर दीजिए, 12 में 7 को ऐड करेंगे तो 19, 19 का यहां पर 19 वन्स है तो 19 वन्स ही लिख दीजिए। अब आइए यहाँ टेंस प्लेस पे 30, 30 और 30 है तो ये तीनों को ऐड करना है तो 0, 0, 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ 3, 3, 3, 3, 3 टाइम्स है यानी 3, 3, 6 और 3, 9 यहाँ पर हो गया आपका 9, 90 प्लस 19 वन्स, ये 19 है तो इसमें से 110 प्लस 9 वन्स है तो ये 10 जो है 110 ये 90 में ऐड कर देंगे तो 90 तो ऑलरेडी पहले से है और इसमें से 10 आ गया तो क्या हो जाएगा 90 में 10 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 100, 90 में 10 ऐड कर दिए तो 100 हो गया प्लस ये 19 तो क्या था 19 वन्स था जिसमें से 110 इसमें आया है तो इसमें कितना रह गया 9 वन्स रह गया तो प्लस 9 हो जाएगा यहाँ। अब देखिए 100 में आप 9 ऐड कर दीजिए तो 100 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 109 लिखेंगे। सो 36 प्लस 36 प्लस 37 इक्वल टू 109। ओके यही आपका ए इसका सम हो गया, इसको ऐड किए हैं तो उसका आंसर उतना आ गया। अब देखिए ये एक्सटेंडेड फॉर्म से है, एक्सटेंडेड फॉर्म में करने से ही आपको ये लग रहा है ना कि बहुत डिफिकल्ट है लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 प्लस 44 प्लस 34, चलिए 16 का एक्सटेंडेड फॉर्म में करना है फिर 44 को एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है फिर 34 को एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। अब इसको हम सम करते हैं, देखिए सबसे पहले 16 को एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां दिख रहा है ना 6 वन्स प्लस पर है 6 और 10 प्लस पर है 1 यानी 1 टेन्स प्लस 6 वन्स
यानी 10 प्लस 6, 16 का एक्सपेंडेड फॉर्म में किए हैं तो 10 प्लस 6 हुआ है। 44 का 40 प्लस 4, ओके। अब 34 है, 34 के एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे तो 30 प्लस क्या होगा 4। अब इसको हम सम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10, 10 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14, यानी 6 प्लस 4 प्लस 4, तो 4 एक और 8 में 6 ऐड किया तो 14 वंस प्लस। अब यहां टेंस में क्या है, 10 है, 40 है, 30 है, 0 0 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। 3 और 4 7, 7 में 1 ऐड किया तो 8, यानी 80 जो है 80 टेंस प्लस 14 वंस, 14 वंस मींस 110 प्लस 4 वंस। तो इसमें से 10 जो है ये 14 में से 10 हम ला करके 80 में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहां 80 जो है, अब 80 आपका क्या बन जाएगा, 90। कैसे 90 बन गया, क्योंकि ये 14 है, 14 में से 10 हम इसमें ऐड कर दिए हैं तो 80 में 10 ऐड किए हैं तो ये 90 हुआ है। और ये जो 14 है 10 इसको दे दिया, इसमें से 4 वंस रह गया तो हम यहां पर लिखेंगे 4, ओके। अब ये दोनों को ऐड कर लीजिए, 90 प्लस 4, तो 90 और प्लस को 90 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, लिखेंगे 16 प्लस 44 प्लस 34 इक्वल टू, देखिए यहां पर 90 और ये 4 है, 90 में 4 ऐड कर दीजिए तो 94, यही आंसर हो गया। ये तीनों को ऐड किए हैं तो 94 होगा है, ओके। 17 कल हम लोग पढ़ेंगे 77 पेज, यही आप लोग होमवर्क में, ये बुक वर्क में कंप्लीट कर लेंगे, जो हम बताए हैं इसी को बुक वर्क में कंप्लीट करना है, तो इसको होमवर्क में लिख लीजिए, आप लोग घर पर इसको कंप्लीट कर लेंगे। डू पेज 76 इन बुक।